तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलाई करते हैं और छोटी मशीन यूज करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके से कपड़ा रखते हैं यहाँ पर और चलाते हैं तो कपड़ा ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी मशीन तो नहीं है, लेकिन आपकी मशीन अगर पुरानी है, थोड़ा ओल्ड है, तो क्या होता है इस तरीके से कपड़ा सरक के बाहर निकल आता है, ठीक है। कितना भी आप कोशिश करें इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। इससे मेन प्रॉब्लम आपको बताते हैं। पहला तो इससे हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी, ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी मशीन इस तरीके से कपड़ा घुमाने लगेगी, ठीक है। जब चलाएंगे तो इस तरीके से कपड़ा घूम भी जाएगा, चाहे इस साइड घूमे या इस साइड घूमे। ये सब प्रॉब्लम कहाँ से होती है, इसकी वजह से होती है। ये वाला जो हमारा प्रेशर फुट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स इसे हम कैसे ठीक करें, इसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम ये वाला प्रेशर फुट अगर इस मशीन में लगाएंगे तो ये मशीन क्या रिजल्ट देगी, यानी कि ये पीको वाला प्रेशर फुट है और इसे हम इस मशीन में लगाएंगे तो हमारी मशीन ये कैसी चलेगी, ठीक है। तो चलिए दोनों चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर आपकी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चल रही है तब आपको कौन सी सेटिंग करनी है। और ये वाला सिस्टम देखें ध्यान से, अभी तो हमारी स्प्रिंग नहीं है, टाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की इस तरीके से खिंच जाता है कपड़ा, ऑटोमेटिक खिंच जाता है बाहर, ठीक है, तो हमारी मशीन में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, ये वाला तो देखें ध्यान से प्रॉब्लम क्या होती है। ये प्रॉब्लम होती है अगर हमारी ये वाली स्प्रिंग है ये पुरानी हो जाए, ठीक है, पुरानी हो जाती है, ठीक है। जब मशीन ज़्यादा पुरानी होगी तो स्प्रिंग पुरानी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा बड़ा करना है। तो कहाँ से करेंगे, हम इस सिस्टम को पहले ओपन करेंगे, ठीक, इस तरीके से इसे खोल लें और स्प्रिंग को निकाल लें। निकालने के बाद थोड़ा हमें खींचना है, ठीक, हमारी अभी नहीं है इसलिए हम नहीं खींचेंगे, अगर खींचेंगे तो फिर हमारी लग भी नहीं पाएगी क्योंकि हमारी ऑलरेडी पहले से ही टाइट है, ठीक। तो इस तरीके से इसे खींच लें या फिर पहले इसे साफ़ कर लें। इस तरीके से साफ़ करने के बाद उसके बाद हम इसे खींच कर थोड़ा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, उतना खींचेंगे जिससे हमारी मशीन मतलब यहाँ तक ये सिस्टम आ जाए, ठीक, यहाँ तक आ जाए, ज़्यादा नहीं, ठीक। अगर ज़्यादा खींच लेंगे तो फिर लगाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से खींचने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इसमें लगा लेंगे और लगाने के बाद इसे कस लें, थोड़ा टाइट कसें, ठीक है, क्योंकि हमारा तो नया है इसलिए इसे थोड़ा टाइट कस लें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट देख लेनी है, कितनी रिक्वायरमेंट से हमें इसे टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तब फिर कपड़ा भी हमारी मशीन दांत काटने लगेगी, ठीक है, दांत हमारे कपड़ा काटने लगेगी। तो ज़्यादा नहीं हमें करना है, बस रिक्वायरमेंट के अनुसार देख लेना है, इतनी टाइट होनी चाहिए बस हमारा कपड़ा इस तरीके से खींचे तो बाहर ना निकले। तो चलिए इस तरीके से हम अपनी मशीन की ये वाली प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर नहीं देगी क्योंकि मोटे कपड़े पर दबाव नहीं पड़ता, ठीक है। मोटा कपड़ा जैसे हमने आप लगा लिया, ठीक है, लगाने के बाद और फिर हमारा मशीन दबाव नहीं देगी, जब अच्छे से कपड़ा दबेगा नहीं तो सिलाई हमारी मशीन छोड़ने लगेगी, ठीक है, ये कारण होता है, इसीलिए इस सिस्टम को जरूर चेक करना है। तो चलिए उसके बाद हमें ये वाला प्रेशर फुट हम लगा कर देखते हैं। अगर आपको प्रेशर फुट बाय करना है तो कमेंट करें, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको हमारी शॉप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको इजीली आपके घर पर ये डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, ये वाला प्रेशर कुकर अच्छा है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, जैसे कि कैंची चाहिए, कैंची हम भी इस तरीके की कैंची चाहिए तो वो भी आपको हमारी शॉप पर मिल जाएगी। बस आप लोगों से अनुरोध है, जो फेसबुक वाला वो व्हाट्सअप वाला जो चैनल होता है उसी चैनल पर हमारा शॉप है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि व्हाट्सअप चैनल पर जाएं और वहां पर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। आपको फ़ोटो भी हम दे देंगे, कौन सी फ़ोटो मतलब हमारा चैनल किस तरीके का है, तो आप देख लेना। और जो भी चीज़ बाय करनी है अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगी और आप इजीली ले सकते हैं और वहाँ से बाय कर ले सकते हैं। देख सकते हैं ये वाली कैंची, ये कैंची हमारी सालों साल चलती है, कभी धार नहीं लगानी पड़ती है इस पर। तो चलिए बाकी बाद में बात बताएंगे जब इसके बारे में, पीको करती है या नहीं करती है, पीको नहीं करती तो फिर क्या करती है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने लगा दिया है इसे प्रेशर फुट को, अब देखते हैं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या कह रहा है, टकराएगी तो नहीं कहीं, चलिए टकरा तो नहीं रहा है, सही है। तो चलिए थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करती हुई चली जाएगी और हमारे पास फायदा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम दे रही है। प्रॉब्लम क्या दे रही है, अब ये कहाँ से चलाएं कि पकड़ें, ये दिक्कत हो जाती है, ठीक, इसीलिए ये प्रॉब्लम दे, आसानी से आप कर सकते हैं, देखें ध्यान से इस तरीके से, जितनी पतली चाहें उतनी पतली आप कर सकते हैं, इतनी पतली आप कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल महीन है और बिल्कुल आसानी से हो गई, या कहीं पर भी कर सकते हैं, पीको की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको, तो फ्रेंड ध्यान से देखें इसी तरीके की आप सिलाई कर सकते हैं इस प्रेशर फुट से, ठीक है, और बिल्कुल महीन सिलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें, बिल्कुल अच्छी सिलाई हो रही है। और बिल्कुल आपको पीको करनी है करें ना करें, क्योंकि हमारा कलर ये अलग है, अगर आप सेम कलर का लगाते, ठीक है, सेम कलर का लगाते तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि आप पीको कर रहे हैं या फिर आपकी साड़ी में या
कहीं पर भी फोल्ड करना है तो पता नहीं चलेगा कि आपने पीको की है या फिर सिलाई की है, ठीक है, लेकिन इस प्रेशर फुट की वजह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये प्रेशर फुट पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा, और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, हमारे जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हैं उसी शॉप की लिंक है, तो चलिए उसे फॉलो जरूर करें और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सअप चैनल है। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।